सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में मारना। चार वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज 11 मार्च 2024 को भारत में सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए अधिसूचना जारी की जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव 2024 से महज कुछ दिन पहले ही आज नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय की सीएए लागू करने की घोषणा के बाद से ही देश भर में इसकी चर्चा तेज हो गई है, जिसका खासा असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखा जा रहा है। सीएए लागू होने के तुरंत बाद ही दिल्ली के शाहीन बाग में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। शाहीन बाग और इसके आसपास के इलाके में भारी पुलिस बलों की तैनाती की जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय की इस घोषणा के बाद से ही सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष के नेता केंद्र सरकार की इस कदम को चुनावी एजेंडा बताते हुए अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। पहली बात तो यह है, इतना विलंब क्यों किया और अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान में बांटो। सर वो कह रहे हैं बात यह है संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। ये गलत समय पे डिसीजन लिया है। चुनाव से पहले इस तरह की जल्दबाजी करने का क्या मकसद है? और ऑलरेडी एक सीए का कानून था और उसमें क्या ऐसा अर्जेंसी आ गई थी, क्यों इस तरह करा? सब समझ रहे हैं एक सिर्फ नफरत और ध्रुवीकरण और चुनावी एजेंडा बनाना एक उनका मकसद है, क्योंकि अपने मूलभूत जो जनता की मांगे थी वो उसको पूरी नहीं कर सके, तो सीए लाकर उसके बिना पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि ये नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं, नागरिकता देने वाला कानून। हमने कब मना करा? बात तो है, ऑलरेडी पहले भी तो था, पहले भी तो देश के लोग नागरिकता लेते थे, जो दूसरे लोगों को दी गई है, कई नागरिकता दी है ना। नागरिकता देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ऐसे वक्त में क्या एक एक्ट ला के जरूरत पड़ गई जिसको आप कर रहे हैं? हम लोग इसको देखेंगे और देखने के बाद इसका जिस तरह होगा सुप्रीम कोर्ट में भी अगर चैलेंज करना होगा तो वहाँ भी करेंगे, और अगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे। लोकसभा चुनावों से पहले सीएए लागू करना बीजेपी का बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई मौकों पर कहा कि सीएए नियमों को अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले अधिसूचित किया जाएगा। अवैध घुसपैठ चरम सीमा पर। आसाम में आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बनाए दी, आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, तो इस नंबर पर संपर्क करिए, बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं।
गृह मंत्रालय साल 2020 से ही नियमित रूप से इससे जुड़े नियम बनाने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए संसदीय समितियों से विस्तार की मांग कर रहा है। दिसंबर 2019 में संसद द्वारा CAA पारित होने और CAA पर राष्ट्रपति की सहमति के बाद से ही देश के विभिन्न हिस्सों में CAA के विरोध में जोरदार हंगामा और प्रदर्शन हुआ। संसद में कानून पारित होने के बाद विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के कारण 100 से अधिक लोगों की जानें भी गईं। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस नागरिकता संशोधन अधिनियम का विशेष रूप से विरोध कर रही है। इस वजह से पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए प्रदर्शन सामने आए। आपको बता दें कि CAA लागू करना BJP का पिछले लोकसभा चुनावों और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान महत्वपूर्ण चुनावी एजेंडा रहा है।